आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। उसके फलस्वरूप रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जाती है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की दर भी बढ़ रही है, किसान उत्पादन भी बढ़ा रहा है और भारत सरकार धान गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। आज रबी सीजन की जो फसलें हैं उनमें गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। इसी प्रकार से सरसों पर भी वृद्धि 100% है। जैसे आप देखेंगे कि 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था, गेहूं पर लागत 1008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ है। कुल मिला के 1008 लागत और 2015 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दर, ये 100% की वृद्धि एक तौर से लागत पर है। इसी प्रकार से जौ में जो पहले 21-22 में 1600 था, अब ये 1635 हो गया है, 60% की वृद्धि है। चना 5100 21-22 में था, अब ये 5230 रुपया कुंटल है, ये 74% की वृद्धि है। मसूर 5100 रुपये 21-22 में थी, अब 5500 रुपये है, इसकी वृद्धि 79% है। सरसों, जैसा मैंने पहले बताया कि 4650 रुपया प्रति कुंटल थी, अब ये 5050 हो गई है, इस पर 100% की वृद्धि है। और कुसुम सूरजमुखी 5327 इसका 2021 का रेट था, अब ये 5441 हो गया है, ये 50% की वृद्धि है। ये रबी के सीजन की जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार ने घोषित कर दिया है और काफ़ी समय पूर्व कर दिया है, और मुझे लगता है कि इसके प्रकाश में किसान अपना उत्पादन करेंगे और सरकार जो खरीद की प्रक्रिया है उसके अनुसार उपार्जन करेगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सामान्य तौर पर आप सब ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।